हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किंग इन किचन। आज मैं आपके लिए एक रेसिपी के साथ साथ आपके एक प्रॉब्लम का सलूशन भी लेके आया हूँ। आप पूछेंगे कौन सा प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है टाइम का। हम सबके पास टाइम बहुत कम होता है, तो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ किस तरह हम कम टाइम में दो वैरायटी डिश बनाएंगे एक साथ, और हम टाइम के साथ साथ विल सेव एफर्ट और एनर्जी ऑल्सो। तो आज मैं आपके लिए बना रहा हूँ रागी नूडल्स, जो कि बहुत ही हेल्दी है, और उसके साथ साथ ऑल्सो मेक चना मसाला। तो चलिए देखते हैं हाउ टू मेक दिस डिशेस। बर्तन में एक कप पानी अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। में हम डालेंगे थोड़ा नमक और एक टीस्पून ऑयल। जब पानी अच्छी तरह बॉईल होना शुरू हो जाए, हम उसमें डालेंगे रागी पाउडर। यहाँ मैं 2.5 कप रागी पाउडर यूज़ कर रहा हूँ, और इसे 5 लोग खा सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर एक कलछुल से हम इसे अच्छी तरह हिलाई लेना है। जब अच्छी तरह ये पानी मिक्स हो जाए, तब हम इसे 5 मिनट ढक करके रख लेंगे। 5 मिनट बाद फिर हम इसे एक स्टील की प्लेट में इसे डाल लेंगे। इसके पहले हमें प्लेट को अच्छी तरह ऑयल से ग्रीस कर लेना है, नहीं तो फिर ये प्लेट में चिपक जाएगा। अब हमें अच्छी तरह आटे जैसा गूंद लेना है। हमें इसे बहुत ही सॉफ्ट करना है, क्योंकि बहुत ही गर्म होगा, तो आप बीच बीच में चाहे तो पानी भी आप हाथ में मिला सकते हैं। अब हम लेंगे एक सेवई मेकर, उसमें हम थोड़ा ऑयल ऐड करेंगे, फिर हम उसमें रागी के बॉल्स बना के इसके अंदर डाल के इसे हम प्रेस करेंगे, ताकि एक अच्छा नूडल्स का शेप आ जाए। याद रखिएगा कि ये जो आटा है वो बहुत ही गर्म होना चाहिए, नहीं तो फिर जब आप प्रेस करेंगे तो आपको बहुत ही मेहनत लगानी पड़ेगी। मैं यहाँ थोड़ा कोकोनट भी डाल रहा हूँ, आप चाहे तो ये अवॉइड कर सकते हैं। फिर हम एक कढ़ाई लेंगे, फिर हम पानी डाल के उसके ऊपर एक ग्रिल लग देंगे। फिर हम करेंगे मल्टी कुकिंग। मल्टी कुकिंग का मतलब हम एक साथ बहुत सारे आइटम कुक करेंगे। यहाँ मैं रागी नूडल्स, चना, 2 अंडे और टमाटर में एक ही साथ कुक करके आपको दिखाऊंगा। जब तक ये कुक होता है, चलिए मैं आपको एक टिप बताता हूँ। आज मैं आपके लिए रेसिपी के साथ एक टिप भी लेके आया हूँ, तो चलिए देखते हैं आज का टिप। तो ये है आज का टिप। हम जब भी प्याज काटते हैं, हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो आंसू नहीं आने के लिए, अगर हम प्याज काटने से 10 मिनट पहले अगर हम प्याज को 2 हिस्सा करके अगर हम उसे पानी में 10 मिनट तक भिगो कर रखेंगे, तो फिर प्याज काटते वक्त हमारे आंखों में आंसू नहीं आएंगे। इसी तरह मैं आपसे टिप्स शेयर करता रहूँगा, आप मेरा रेसिपी वीडियो देखते रहिएगा। 15 मिनट हो गया है, हम इसे खोल के चेक करते हैं, या काफ़ी अच्छी तरह कुक हो गया है। अब हम बनाएंगे चना मसाला। इसके लिए हम एक पैन गरम करेंगे, उसमें डालेंगे 1 टीस्पून ऑयल, फिर हम डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, फिर हम डालेंगे उसमें छोटे कटे हुए लहसुन और अदरक। हम इसे थोड़ा 1 मिनट तक सॉटे कर लेंगे। फिर हम डालेंगे 2 हरी मिर्च बीच से कटे हुए, 1 मीडियम प्याज, फिर हम ऐड करेंगे इसमें नमक स्वाद अनुसार, अच्छी तरह हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम प्याज को पकाने के लिए हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे, क्योंकि हमने बहुत ही कम तेल का यूज़ किया है, इसलिए मैं यहाँ थोड़ा पानी ऐड कर रहा हूँ। प्याज पकने के बाद हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। सब मसालों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे 2 टमाटर जो हमने पहले ही स्टीम करके रखा हुआ था, हमें अच्छी तरह मैश कर लेना है। तो क्योंकि हमने इसे पहले ही पका लिया, इसलिए हमारा कुकिंग टाइम बहुत ही कम हो गया है। ये तो फिर टमाटर पकने में ही 10 मिनट से आसपास लगता है, तो हम वो 10 मिनट भी यहाँ सेव कर ले रहे हैं और गैस भी सेव कर ले रहे हैं। हम ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून चना मसाला पाउडर, इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे।
और तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। अब हम डालेंगे इसमें चना जो हमने पहले से ही पका के रखा हुआ था। हमने यहाँ हमने चना का पकने का भी समय हमने सेव कर लिया है। अब हम इसमें पानी ऐड करके इसे 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे ताकि चने में मसाला सब अच्छी तरह कोट हो जाए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कुकवेयर मैं यूज़ कर रहा हूँ वो स्पेशल कुकवेयर है। इसके साथ जब हम घर करके रखते हैं तो उसमें वाटर सील फॉर्म हो जाता है, इसके वजह से इसके अंदर का जो वेजिटेबल है वो अच्छी तरह बहुत कम समय में पक जाता है और उसका न्यूट्रिएंट्स भी प्रिजर्व हो जाता है। हमारा चना मसाला ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। हम इसमें ऐड करेंगे कटे हुए धनिया के पत्ते। हम इसे एक उबाला लाएंगे, उबाला आ जाए तब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और फिर इसे ढक करके 5 मिनट तक रखने देंगे। तो लीजिए दोस्तों हमारा चना मसाला रेडी हो गया है। आप इसे स्टीम किया हुआ रागी नूडल्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।